तो यो व्हाट्स अपनिंग गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, और आज मेरे को पता चला कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक बंदा है मेरे सर्वर के अंदर, जिससे अगर मैं मिलता हूँ तो मतलब कि ये बंदा तो है नहीं है, कि तांत्रिक टाइप का इतना नल्ला है वो भाई, स्किन भी कितनी गंदी है इसकी। एक्चुअली में लोगों का कहना है कि ये जो बंदा है, अगर कहाँ पर खड़ा हूँ, अगर ये बंदा है, अगर ये किसी को मार देता है तो ये भाई किसी और ही वर्ल्ड का स्पॉन करता है, इसलिए मैं इसे मिलने आ चुका हूँ। और भाई इससे थोड़ी सी बात करते हैं। हेलो भाई, कैसा है तू? अबे थकेल क्यों रहा है? व्हाट, मैं उसने तो मार दिया, और मैं कहाँ पर स्पॉन हो चुका हूँ भाई? मैं अपनी लोकेशन पर स्पॉन नहीं हुआ, और मेरी सारी इन्वेंट्री भी खाली हो चुकी है। ओके व्हाट, ये मेरे हाथ को क्या हुआ? ये कुछ सस्पिशियस लग रहा है भाई। और यहाँ पर मेरे को पोर्च ऑफ मिल चुका है। ओके रो पोर्च ऑफ है, पता नहीं पिग्गी किसने मारा भाई। और वेट, अबे ये क्या हुआ भाई? मेरी स्किन को क्या हो गया? मैं बन चुका टॉम। व्हाट भाई, मैं टॉम बन चुका हूँ भाई, ये क्या हो गया अभी मेरे साथ भाई? ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई, मैं टॉम बन चुका हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो भाई इस वर्ल्ड के अंदर अपने सर्वाइवल को स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा मेरे को वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते, क्योंकि शायद से भाई मेरे को अपने इस भाई जो भी मैं बिल्ला बन चुका हूँ, बिल्ले से भाई मेरे को ठीक होना है अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर। मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं बिल्ला नहीं बन कर रहना चाहता, मेरे को भाई पुरानी स्किन चाहिए। ओके तो इसके लिए भाई क्या किया जाए? ऐसे मेरे को सबसे पहले विलेज ढूंढना पड़ेगा, तो चलो भाई विलेज ढूंढते हैं। इसलिए फिर मेरे को भाई सबसे माइनक्राफ्ट सबसे पहला काम करते हैं, और भी है भाई अगर बिल्ले बने तो थोड़ा सा भाई बिल्ले वाला काम भी किया जाए, क्योंकि हमेशा उल्टे काम बी को कंट किया। और एक भाई वट भाई, अगर बी ने मेरे को काटा देखा भाई, वहाँ पर धुआं आया थोड़ा सा, देखो यहाँ पर धुआं था भाई बट गायब हो चुका है, इसमें मेरे को भाई फिर से पंगा लेना पड़ेगा किसी से। सबसे पहले भाई ट्री को कट करते हो, यहाँ पर बी का हैस्ट है, तो चलो भाई इसको अगर मैं मारूंगा तो क्या ये मेरे को फिर से काटेंगे? ओ यार इसको डंकी नहीं है, अब कैसे काटेंगे? हाँ भाई अब कैसे काटेंगे मेरे को भी, मजा आएंगे ना बीडो। तो चलो भाई सबसे पहले ट्री को कट करते हैं, और ये बी कितना टीटी कर रही है भाई, बी का हैस्ट है, चलो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले भाई अपनी वुड को तोड़ते, वुड को तोड़ना है जरूरी, तो ये माइनक्राफ्ट का फर्स्ट काम। चलो ये हमारी वुड ये भी टूट चुकी है, और हमको इस तोड़ना है बी एस को, किसने बी निकली? बट भाई ये क्या हुआ, अबे कैसी आवाज़ आ चुकी? ओके तो भाई मेरे को अब पता चलोगे उस बंदे ने भाई मेरे को एक अलग वर्ल्ड के अंदर नहीं भाई, एक अलग ही डायमेंशन के अंदर भेज दिया, जो कि कार्टून की डायमेंशन है, इसलिए मैं बिल्ला बन चुका हूँ, और ये कुछ वैसा ही सब कुछ आई थिंक, तो मैं कार्टून के अंदर जो कुछ भी कार्टून के अंदर होता है आई थिंक सो ये वैसा ही सब कुछ इसके वर्ल्ड के अंदर है। सबसे पहले कोई बात नहीं, हमारा जो पहला काम है वही करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, और बनाते हैं हमारी कुछ स्टिक्स। चलो भाई इसको रखते हैं, सबसे पहले भाई अपने हेल्थ फल पुल करनी पड़ेगी भाई, हार पार्ट में घूम रहा हूँ। ओके चलो पोर्च अप को खाते हैं। अच्छा भाई मेरे को पोर्च अप मिल गई थी। ओके मैं बी को मार को तो कुछ वैसे फूड भी ले भी नहीं सकता था। ओके चलो सबसे पहले बनाते हैं हमारी ये क्या है, स्वॉर्ड कैसे बना रहा हूँ। ओके तो इसको स्टिक को यहाँ पर रखते हैं, बन चुकी हमारी वुडन की स्वॉर्ड भाई। बट मेरे को भाई और लॉक चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी एक्स और पिक एक्स भी बनानी है। ओके तो चलो ये सब तोड़ते हैं, एक मिनट के टूट चुके हैं, और ये भी तोड़ते हैं। आई थिंक तो दो लोग अभी लेके काफ़ी होंगे, मैं भाई जल्दी अपग्रेड कर लूँगा स्टोन के अंदर। ओके चलो रखते हैं, उसको बनाते हैं ओक लॉक, और मेरे को चाहिए अब हमारी पिक एक्स, तो चलो पिक एक्स को बनाते हैं। ओके तो पिक एक्स यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक हमारी पिक एक्स बन चुकी है, और अब मेरे को चाहिए एक हमारी एक्स चाहिए मेरे को, तो चलो एक्स बनाते हैं। तो ये लो हमारी एक्स भी बन चुकी है, अबे वो वाली एक्स नहीं, ये माइनक्राफ्ट वाली एक्स है। हाँ ओके तो चलो भाई इसको तोड़ते हैं, और मेरे को भाई विलेज को ढूंढना पड़ेगा, विलेज कहाँ पर हो सकता है ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ से मैं ऐसे तो ऊपर चलता हूँ, अगर मैं ऊपर जाऊँ शायद से मेरे को विलेज मिलने के चांस कुछ ज़्यादा है, तो चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं। और मेरे को भाई मैंने कहा चांस ज़्यादा, बट मेरे को सामने इतनी जल्दी विलेज मिल चुका है, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर विलेजर भी नहीं है। ओके तो चलो भाई विलेजर से मिलते हैं, और आप उनसे बात करते हैं भाई ये कौन सा वर्ल्ड है भाई, मुझे नहीं लगता कि ये विलेजर मेरे को बताएंगे, वैसे भी ये विलेजर हमेशा नले रहते हैं और करते रहते हैं। ओके तो चलो विलेजर कहाँ पर है ये रे भाई, विलेजर बच्चा हेलो, हेलो बच्चे ओके भाई ये तो इग्नोर करके भाग गए भाई, ये माइनक्राफ्ट के विलेजर जितना मर्जी डायमेंशन तुम चेंज कर लो, बट ये नल्ले के नल्ले ही रहने वाले हैं। ओके हेलो आ बच्चे, हेलो आ बच्चे भाई बता दे कौन सी डायमेंशन है भाई, हेलो व्हाट अबे ये क्या हो भाई, कैसे भाग रहे वैसे भाग रहे भाई, देखो कैसी आवाज़ आ रही है, मेरे को लूट रहा है, मेरे को लूट रहा है
अभी मैं छोड़ता हूँ, अगर मेरे पास कितनी हेल्थ भी नहीं है कि वहाँ पर ओह करते रहते हैं, मेरे को इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिट मारते हैं और अबे 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 ये कैसा हुआ, मैं कैसी आवाज आ रही है भाई, अबे कार्टून में सच में कार्टून को बंद कर आ चुका हूँ। ओके भाई, अगर मैं आयरन गोलम को मारूंगा तो क्या मैं क्या होगा वो देखती है। ओके अगर मैं मारूंगा तो अबे देख ये क्या हो गया, मैं इतना छोटा कैसे हो गया, मर गया। ये फोन करते हैं भाई, आयरन गोलम से पंगा लेते हैं, जब अपना सामान उठाते हैं और आयरन गोलम को मारते हैं। एक छोटा बन चुका हूँ, देखो भाई सिंगल ब्लॉक से ही मैं छोटा हूँ। आयरन गोलम पे भाई भाई हाथ के जितना भी नहीं, इतना छोटा हूँ कि आयरन गोलम अब मेरे को क्या मार पाएगा भाई, इतना छोटा हूँ। मार दिया आयरन गोलम में, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था भाई, ये तो आउट ऑफ स्क्रिप्ट हो गया। ओके आयरन गोलम ने मार दिया, बट कोई बात नहीं, हम आयरन गोलम से बदला लेंगे आयरन गोलम से बदला, उससे पहले पीछे तो नहीं पड़ने वाला। अबे ये आई थिंक सब भूल चुके कि आयरन गोलम कितने भुलक्कड़ होते हैं भाई, अभी तो मैं इसको मार तो गया था। ओके फिर से बिल्ला बन चुका हूँ, बिल्ले के पानी याद क्या होती है, पंगा लेने क्या आता है, ये देखो कितना मस्त है, कितना छोटा सा हो चुका भाई। मैं एक्चुअली में 2 पिक्सल के अंदर आ रहा हूँ, आयरन गोलम मेरे को मारने के लिए भाग रहा है, मैं बच्चे को मारने के लिए मार रहा है भाई, उसके पैर जितना भी नहीं हूँ। ओके मारने के लिए आ रहा है आयरन गोलम को, आने दो। ओके चलो ऐसा करते हैं, नहा लेते हैं। आयरन गोलम तो चला गया, शायद से मैं नहा के शायद से थोड़ा सा मैं फूल गया, कि मैं इतना छोटा नहीं रहना, व्हाट मैं पानी से भी छोटा हूँ भाई। अबे इतना छोटा तो मैं एक ब्लॉक के अंदर पूरा नहा लिया, और वही कहा भाई एक ब्लॉक के अंदर कौन नहाता है भाई, हम बट हमने नहा लिया। ओके जहाँ से बाहर चलते हैं, हम बड़े भी हो चुके हैं। ओके भाई मेरा आधा सामान पानी कहाँ चला गया, और मैं वुड मतलब ग्रास को माइन करें, क्योंकि आयरन गोलम को मारना है ज़रूरी। कहाँ पर आयरन गोलम कहाँ भाग गया, ओके रात हो रही है। ओके चलो भाई ये कैसी आवाज़ है, अभी मुर्गा बोल रहा है। ओके तुम तो चलते हैं और हम वेट करते हैं इन विलेजर के सोने का, क्योंकि आपको पता है इनको सो जाता है कार्टून के अंदर। तो ये देखो अबे इतने गंदे कराटे कौन ले रहा है बे, भाई नहीं मैं सो सकता बिल्कुल नहीं भाई, ये बच्चा इतने क्या कर रहे हैं, इतने गंदे आवाज ही निकाल रहे हैं, मैं इस विलेज के नहीं सर अच्छा मेरे पास बैट है, अच्छा क्या कर रहे हैं। ओके भाई मैं अभी कहाँ पर ही, अभी भी आसपास मेरी आवाज़ आ रही है, मैं इतनी आवाज़ के बिल्कुल नहीं सो सकता, पता नहीं ये कैसे सो रहे हैं यार भाई, खराटे मैं कह रहा था वो खराटे मारे, और ये अबे ये क्या भाई, किसको कौन सी मौत पड़ रही है भाई, इतनी वाह कर रहा है। ओके तो चलो ये अच्छी बात है। ओके तो चलो भाई मैं कह तुम्हें फूड चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पता है कि अगर मैं कार्टून के अंदर हम बहुत ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो हम कितने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, इसलिए मैं तो 64 कोई भी मेरे को 64 चलेगा, इसलिए मेरे को भाई बीट से 64 जल्दी मिल जाता है, इसलिए बीट से हम ब्रांड बनाते हैं जो कि मेरे को जल्दी मिल जाएंगे। ओके चलो इस बीट को भी तोड़ते हैं, और इस बीट को भी, और कितनी बीट है मैं सभी को तोड़ने वाला हूँ, इस विलेज को मैं करने वाला हूँ अभी कंगाल। अरे अच्छा भैया अगर इन लोगों ने फिर से आयरन गोलम को बुलाया ना तो मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा सबक सिखाने वाला हूँ। ओके ओके तो सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, और जितने भी मेरे के हमारे ब्रांड बन सकते हैं मैं सभी के सभी ब्रांड बनाने वाला हूँ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके मेरे पास 43 ब्रेड आ चुके हैं, बट तुमको 43 नहीं चाहिए, मेरे को 64 ब्रेड चाहिए। ओके 64 ब्रेड, ओके इससे तो एक ब्रेड बनना है, चलो एक ब्रेड को उठा लेते हैं, और अब मैं कितने ब्रेड टोटल बन सकते, 30 ब्रेड और बन सकते, 57 ब्रेड हो चुके हैं, बट मेरे को अभी थोड़े से भाई ब्रेड कमी पड़ रही है। क्या यहाँ पर कोई ब्रेड उगा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई वीट उगा रहा है, कोई नहीं वीट उगा रहा, शायद से विलेज के कोई वीट, और इस आयरन गोल को मारना भाई कैसे पूछ सकता हूँ भाई, इसने मेरे को इतनी बार मारा है भाई, मैं तो इससे थोड़ा सा मजाक कर रहा था, बट इससे मेरे को मारा इतने छोटे से बंदे से भी मार रहा है देखो भाई, उसके भाई मैं नाक जितना भी नहीं, इतना छोटा हो चुका हूँ। ओके देखो भाई इतना छोटा मैं छोटा, ओके मर जा भाई। ओके अब मैं ठीक हो चुका हूँ, हाँ आप क्या देख रहा है, मर जा भाई मर जा। ओके आयरन गोलम भाई ये अच्छी बात है कि मरने के बाद देखते हैं भाई आयरन गोलम में आयरन देता है या फिर कुछ क्या देता है। ओके आयरन गोलम में आयरन नहीं दिया भाई, बट मेरे को लगा कुछ और देगा, बट इसने तो आयरन नहीं दिया, बट कोई बात नहीं
तीन आयरन दिया, अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता हूँ। ओके तो चलो थोड़ा सा मेरे को, बट वीट कहाँ से मिलेगा मेरे को ढूंढना पड़ेगा। शायद से अगर मैं विलेजर से ट्रेड करूँ तो शायद से मेरे को कुछ मिल सकता है। चलो देखो ये भाई, मैं एमरल्ड के बदले वीट लेने जाता हूँ, वीट के बदले मेरे को एमरल्ड नहीं चाहिए। नल्ले ये लोग, यहाँ पर भी इस लोगों ने गाजर उगा रखे, मेरे को गाजरे नहीं चाहिए बे, एक गाजर है। ओके तो मेरे को वीट मिल चुका है और आलू भी मिल चुका है, अब मेरे को सिर्फ 5 और ब्रेड चाहिए और मेरा भाई 64 हो जाएगा, उसके बाद हम खाएंगे 64 को। और मेरी हंगर भी देखो भाई, फूड जरूरत कितनी कम हो चुकी है भाई, बट मैं अभी नहीं खाने वाला फूड को, अगर मैं तो भी मेरी हंगर कम हो चुकी है। और ये मीट घूम रहा है यहाँ पर, मीट, हेलो मीट, हेलो, अबे इतना सारा मीट भाई, मैं माला माला जो है जितना बड़ा मेरे को मीट का टुकड़ा मिल गया, 64 तो एक बार में ही हो जाएगा। ये क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे को क्या कुछ मिला, क्या हो रहा है भाई, मेरे को एल्यूजन हो रहे हैं। यार मेरे को कुछ खाना पड़ेगा आई थिंक सो। मेरे को ये फैट लगा हुआ है, इसको मारते हैं नल्ले को, मर जाते भाग बे। अबे भाग मत दे, अबे भाई मीट काओ की आवाज कैसे निकाल रहा है, बट भाई इसने क्या दिया, रॉ मटन दिया, बट भाई इतना बड़े मीट ने इतना तो मेरे को छोटा सा टुकड़ा दिया, भाई ये तो बहुत ज्यादा ना इंसाफ ही। आई एम सो हंग्री, बट मेरे को फैट लगा, आई एम सो हंग्री, क्यों खाते हैं शायद से, मुझे भाई कितना लंबा ही फैट है, तो खाते हैं और ज़्यादा। डकार मार लिया भाई बैठे तो, और ये अभी तो इतना बड़ा मीट था और ये इतना छोटा हो गया, चूना लगा रहा था मेरे को, अबे इतना बड़ा तो अभी मीट था, अभी छोटा सा हो गया। यार ये तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। ओके तो चलो भाई, मेरे को मीट तैयार नहीं, मेरे को यहाँ से आयरन गोलों से फिर से पंगा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आदत है आयरन गोलों से पंगा लेने की। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है यहाँ से, ये क्या हो गया, अबे ये क्या हो रहा है, वो मैं भाग नहीं पा रहा भाई, क्या हो गया था मेरे साथ। वेट अब तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, पता नहीं भाई आयरन गोलों के पास जाकर मेरे को क्या हो गया, मत नॉन सच थिंग। ओके यहाँ से उठाते सभी सब सारे सारे सामान को और आयरन गोलों को मार कर भागना पड़ेगा। ओके हाँ भागा नहीं, बट नॉन से भाई, क्या नॉन से चीज है भाई, अभी तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, बट मैं ये क्या, ये क्या नहीं बोल रहा, और मैं चपटा हो चुका हूँ, ये क्या बे, मैं तो कागज बन चुका हूँ पतला सा, ये क्या, अरे मैं किसी चीज के टकराता जा रहा हूँ, और ये रात हो चुकी है और इन लोगों के नल्लों के फिर से कराते शुरू हो चुके हैं। आयरन गोलम से अभी कुछ ज़्यादा ही टकरा रहा हूँ मैं, मेरे को चलना है, अभी चला नहीं जा रहा मेरे से भाई, पता नहीं ये कार्टून के अंदर ऐसा क्यों होता है, यहाँ से भागते हैं यहाँ से, हमें भाई इसलिए से जा रहे हैं, और इतने कितने गंदे कराते मार रहे हैं ये लोग। ओके ओके अंदर चलते हैं, आयरन गोलम से पंगा लेना चाहिए, मेरे को आयरन से पंगा ले पाऊंगा, मार देता है। और ये क्या कर रहा है, अबे भाग यहाँ से, बच्चा इतने बड़े कराटे मारा है, अबे इतना उसका मुंह भी नहीं जितने वो कराटे मार रहा है यहाँ से, अबे बच्चे, अरे बच्चे, नन्ना बच्चा, अरे मिस मिस वर्ड कहाँ पर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आजकल के हरामी विलेजर भी नहीं बचे मेरे को लगता है, यार ये बेदरत ये विलेजर तो इससे भी नल्ला रहे, तो अच्छी का मारा रहे, और ये स्मोक इसके तो बने क्या थे, भाग भी यहाँ से। ओके अबे कहाँ भाग रहा है, कहाँ कह रहा है, क्या कर रहा था अबे, ये बता दो क्या कर रहा था अबे, तो क्या कर रहा था ये स्पाइडर, उसके चलते बट फाइट करने से भाई स्मोक आती है, बट भाई फाइट करने से स्मोक आती है, और ये कैसी आवाज आ रही है, कार्टून के अंदर जब हम लड़ते रहते हैं कार्टून में, वैसा हो रहा है। ओके मेरे को क्या है, मेरे स्कोर भी टूट चुके हैं, क्या है तू मेरे को मार लेगा इतने आसानी से, तो नहीं मेरे को मार सकता, अबे ये क्या था। ओके तो चलो भाई, मेरे पास ब्रेड की अभी तक कमी हो, मेरे को और ज़्यादा ब्रेड चाहिए, कहाँ से मिलेंगे और ज़्यादा ब्रेड,
मैंने मेरे को और भी को ढूंढना पड़ेगा, शायद से मेरे को तभी ब्रेड मिलेंगे। और ये बच्चा इतना हरामी क्यों है? निकल यहाँ से, निकल। देखा खौफ, मिलने का खौफ इतना ही है, इसको पता है अगर मिलने का पंजा पड़ा तो ये हो जाएगा गंजा। ओ वाह वाह वाह, गोभी गोभी, ये तो बड़ा मस्त चेल जुड़ा। अगर मिलने का पड़ा पंजा तो ये हो जाएगा गंजा। वो गंजा नहीं होगा वैसे, वो पहले ही गंजा है क्योंकि मैं ब्रेड हो चुका है। ओके, मेरे पास दो और ब्रेड चाहिए। ओके, कब कहाँ से दो ब्रेड मिलेंगे मेरे को? भाई इतना बड़ा विलेज है, दो ब्रेड तो भाई, दो ब्रेड चाहिए मेरे को, दो ब्रेड तो दे दो यार। ओके, इस घर के अंदर शायद से मेरे को दो ब्रेड मिल जाएं। घर के अंदर चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट के अंदर खाली चेस्ट। भाई ये विलेजर हमेशा कंगाल क्यों रहता है? भाई मेरे को दो ब्रेड चाहिए, अभी दो ब्रेड भी नहीं दे रहे। ओके, ये या विश पास तो चेस्ट ही नहीं है भाई, इतना गरीब। यहाँ पर क्या कुछ है? प्लेन। अबे दो ब्रेड चाहिए मेरे को, दो ब्रेड कहाँ पर है भाई? इनके पास चेस्ट ही नहीं है, ब्रेड ही नहीं है, क्या करूँ मैं? देखिए वो चेस्ट है बट भाई ये मारा मारा तो सारे विलेज के ब्रेड इसे नहीं चोरी करके रखा। इतने सारे ब्रेड रखा बैठा कि 64 ब्रेड हो चुके हैं और मेरी थोड़ी संगत खत्म हो चुकी है। क्या मैं 64 इतने ब्रेड खा पाऊंगा क्या? वो कन्वर्जन लेता है, मैं 64 खा भी पाऊंगा। खाने के बाद कार मारा और ये देखो बस स्लोनेस रेजिस्टेंस और मेरे को कितने सारे पैक लगा, मैं कितना मोटा हो चुका हूँ। कितना बड़ा हो चुका हूँ एक्चुअली, मैं मोटा और बड़ा कितना हो चुका हूँ। ओके, तो चलो यहाँ से चलते हैं। क्या मैं घर के अंदर जाना चाहूँ? तो मैं घर के अंदर जा सकता हूँ क्योंकि यार मेरा साइज एक्चुअल में भाई जंबो हाथी जैसा बन चुका हूँ मैं। ओके, तो चलो अभी यहाँ से अंदर जा सकता हूँ क्या मैं? अरे नहीं जा सकता अभी, देखो भाई मैं चार ब्लॉक जितना हूँ भाई, मेरा साइज चार ब्लॉक छोटा हो चुका है। बट कोई बात नहीं, चेस्ट तो यहाँ से भी लूट सकते हैं, इनको क्या लगता है? अगर मैं मोटा हो चुका तो क्या मैं इसका चेस्ट नहीं लूट सकता? एमराल्ड सभी उठा लेते हैं और ब्रेड एक और मिल चुका है। ओके, चलो ब्रेड को लेकर चलते हैं अब। और अभी हम कितने मोटे, अब मेरे को पतला होने के लिए पंचर होना पड़ेगा क्या? अब मेरे को शायद से कुछ कांटेदार ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं पंचर हो सकूँ। अगर कभी पंचर होते होते अभी मैं उड़ी ना जाऊँ। ओके, तो चलो यहाँ से कहाँ पर होते हैं? आई थिंक कौन सी माइक्रो के अंदर हमको पंचर कर सकती है? एक्चुअली बैरी होती है वो, शायद से मेरे को पंचर कर सकती है। यहाँ पर शायद से वो होनी चाहिए, यहाँ पर होगी। ओके, कहाँ पर है? मैंने देखी थी अभी यहाँ पर, मैं ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा भाई एक ब्लॉक से, और मेरे को चढ़ने के लिए भी कम से कम दो ब्लॉक चाहिए। ये देखो भाई मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ, यहाँ से चढ़ भी नहीं पा रहा। ओके, इसको तोड़ते हैं और अब मैं चढ़ सकता हूँ। देखो देखो भाई, ये रही हमारी बेरीज। ओके, चलो मैं यहाँ से छोटा हो चुका हूँ, घिस कर कितना छोटा दुख है गोभी। अबे पंचर तो नहीं है, पंचर ही है अभी मेरी सारी हवा निकल चुकी है। और कैंप फायर, अभी ये क्या हुआ? क्या मेरी आंखों ने कुछ गलत देखा क्या? अबे बिल्ली की पूंछ चढ़ के मैं ऊपर चढ़ चला जब कर गया। एक और बार करना बनता है। एक और बार या से क्या मेरे को जब भाई ये क्या हुआ? हम बन चुके हैं बट बिल्ली की हेल्थ इतनी कैसे चली गई थी? बिल्ला इतनी ऊपर से जंप करके कब से हेल्थ खाने लगा? ओके मेरे को फिर से ट्राई करना है। अभी ये मस्त है, गारंटी किसी ने कुछ नहीं देखा। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।